मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल मकाम ऑनलाइन क्लासेस। यस्टरडे वी हैड स्टडी अबाउट ऑपरेशन ऑन एरे, लाइक इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन। वी कंप्लीटेड लास्ट सेक्शन एंड टुडे स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, लाइक सर्चिंग एलिमेंट इन एरे। ओके बच्चों, देखो आज हम पढ़ने वाले हैं कि सर्चिंग ऑपरेशन हम कैसे कर सकते हैं एरे के अंदर। ठीक है, तो देखिए मैं पढ़ने वाला था। देयर आर टू मोस्ट कॉमनली टेक्निक्स ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट। एलिमेंट्स मींस आइटम इन एन एरे। देखिए बच्चों, हम एरे पे जब भी सर्चिंग करते हैं तो दो तरीके हम काम में लेते हैं। ठीक है, दो तरीके कौन से हैं? देखिए, फर्स्ट है मेथड लीनियर सर्च एंड सेकंड मेथड है हमारा बाइनरी सर्च। ठीक है, याद रखिए कभी भी एरे के ऊपर जब भी हम कोई सर्चिंग ऑपरेशन करेंगे तो दो मेथड यूज मिलेंगे। कौन से मेथड है? फर्स्ट मेथड है लीनियर और सेकंड मेथड है बाइनरी। ठीक है, अब हम दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। छोटे पॉइंट है, व्हाट इज लीनियर सर्च। देखिए, इन लीनियर सर्च ईच एलिमेंट टू बी सर्च वन बाय वन इन एरे लिस्ट। मतलब कहने का मतलब है जब भी हम सर्च लीनियर सर्च मेथड यूज में लेंगे तब हम लीनियर सर्च के अंदर एरे लिस्ट के पीछे प्रत्येक एलिमेंट को वन बाय वन करके, यानी एक के बाद एक करके हम उन्हें सर्च करेंगे। इसको हम कह सकते हैं कि वी आर गोइंग टू सर्च एनी एलिमेंट इन सीक्वेंस ऑर्डर। हम मतलब एरे के प्रत्येक एलिमेंट को एक सीक्वेंस में भी सर्च कर सकते हैं वन बाय वन, यानी एक के बाद एक हम सर्च करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम सर्च कौन सा एलिमेंट करेंगे जो हम सर्च करना चाहेंगे। तो हमें ये एलिमेंट सर्च करना है तो आपको ये एग्जाम्पल बना के बताना पड़ेगा कि हमें कौन सा एलिमेंट सर्च करना है। तो देखिए मैं बताता हूँ एग्जाम्पल की, बी एल सर्च एलिमेंट टेन इन एरे। मतलब हम 10 नंबर का एलिमेंट क्या कर रहे हैं? सर्च कर रहे हैं। तब देखिए सर्च में क्या करूँगा, आगे से एरे की सुनाओगे। ठीक है, अब उसे सर्च कर रहे हो आप, तो सर्च के रिसर्च बना दे मैंने ये जो एरे सर्च है सर्च। ठीक है, हमने 2 सर्च किया, 4 किया, 6 किया, 8 किया और 10 किया। जैसे 10 पे पहुंचे हम सर्चिंग में पहुंचे तो 10 हमें मिल गया, हम इसे फिर पोस्ट बना देंगे छोटा सा, हमें 10 एलिमेंट मिल गया है प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा ऑपरेशन है, दूसरा मेथड है दूसरे के एलिमेंट को सर्च करने के लिए। दूसरा हमारा मेथड है बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च क्या करता है, देखिए सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। इफ द एरे लिस्ट, ठीक है, एलिमेंट आर नॉट सॉर्टेड। देखिए जब भी एरे के एलिमेंट सॉर्टेड नहीं होते हैं, मतलब अनऑर्डर होते हैं। किसमें होते हैं? अनऑर्डर होते हैं। अब मैंने तो ये ऑर्डर भी दबाया था साथ, पता नहीं किया, मगर समझिए अनऑर्डर के अंदर है। तब क्या करेंगे हम, उस टाइम हम बाइनरी सर्च का यूज करेंगे। बाइनरी सर्च क्या करती है, उन एलिमेंट को ऑर्डर में भी स्टोर करेगी और जो एलिमेंट हमें सर्च करना उसे भी ऑर्डर में जमाने की बाद में सर्च करके बताएगी। देखिए आर नॉट सॉर्टेड, ऑर्डर में नहीं है, अनऑर्डर है सॉर्टेड। वेन वी यूज बाइनरी सर्च, क्या यूज करते हैं? बाइनरी सर्च का यूज करते हैं टू सॉर्टिंग एरे लिस्ट ऑफ एलिमेंट। तब हम क्या करते हैं, एरे लिस्ट के अंदर के एलिमेंट को सर्च करने के लिए बाइनरी यूज करते हैं। सिंपल से लैंग्वेज समझे बच्चों, जब हमारे पास कोई भी एरे लिस्ट है और एरे लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे अनऑर्डर में है। अनऑर्डर मतलब अनसॉर्टेड हुए हैं। ऊपर नीचे जब पहले 2 आ गया, फिर उसके बाद 5 आ गया, उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद 10 आ गया, उसके बाद 7 आ गया, तो अनऑर्डर में जमे हुए हैं। और उसमें कोई एलिमेंट है जो हमें सर्च भी करना है तो हम क्या करेंगे, उसको बाइनरी का यूज करेंगे। बाइनरी क्या करेगी, एलिमेंट सर्च भी करेगी और साथ ही साथ में एरे लिस्ट को सॉर्टेड भी करेगी, सॉर्टेड मतलब उसे जमा भी देगी। इसलिए बाइनरी सर्च का यूज करता है। बाइनरी सर्च क्या करती है, बहुत स्पीड में सर्च करेगी, दोनों साइड में सर्च कर देगी, साइड से भी, फ्रंट से भी और रियर से भी। ठीक है, दोनों साइड से सर्च करने के बाद में वो क्या करेगी, जो एलिमेंट सर्च करना था लिखा है रियल सर्च एलिमेंट के 10 नंबर का एलिमेंट ढूंढेंगे।
अब जैसे ही दसवें नंबर का एलिमेंट ढूंढेंगे तो क्या करेंगे, माइनस सब दोनों साइड से सब करना शुरू करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, सॉर्ट इन भी करेंगे, तो माइनस सॉर्ट इन नहीं होती, जैसे समझिए। ये है अनसॉर्टेड, अब मुझे क्या है उसमें मुझे फाइव ढूंढना है, फाइव को सर्च करना है, तो बाइनरी क्या करेगी, इधर से भी सर्च करना शुरू करेगी और इधर से भी सर्च करना शुरू करेगी। अब जैसे ये मिल जाएगा जैसे क्या करेगी, सर्च करने के बाद सॉर्टेड भी कर देगी, कैसे कर देगी देखो, वन फोर फाइव ऐसे करके दे देगी हमारे सामने, ऐसे करवा देगी, को सर्च कर लिया है। मगर इसके लिए मुझे दो लिस्ट बनानी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको ये प्रश्न समझाते हुए बताया, ठीक है बच्चों, ताकि आप दो लिस्ट भी बना सकते हो, लेकिन ऐसे बना सकते हो ऐसे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऐसे बनाओगे कि आपको सिर्फ एलिमेंट सर्च करना है, सॉर्टिंग नहीं कराना उसे, तो आप ऐसे सर्च कर सकते हो। अब उसके आगे देखिए बच्चों, अब हमारे टॉपिक नंबर ऑपरेशन जो चल रहा था एरे के ऊपर या वन डी एरे के ऊपर बोल दीजिए, अब तो हमारा ऑपरेशन था ट्रेवर्सिंग एलिमेंट्स या एलिमेंट्स इन एरे। अब एरे के अंदर जब भी हम ट्रेवरिंग कराते हैं एलिमेंट्स को, तो याद रखिए बच्चों जितने भी एलिमेंट्स होंगे एरे के अंदर, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी क्या करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे। जैसे मान लीजिए अब मुझे क्या करना है, इनको ट्रेवलिंग करानी है, ट्रेवलिंग करानी है। अब मैं इनको ट्रेवलिंग कैसे करूंगा देखिए, मैं डेफिनेशन आपको समझा देता हूं, कर लूंगा क्या है इन इन मतलब इन इसके अंदर इन ट्रेवर्सिंग ऑफ एन एरे एलिमेंट, मतलब जब भी हम किसी भी एरे एलिमेंट्स को ट्रेवलिंग कराते हैं ट्रेवलिंग के अंदर, तो क्या है ईच ईच एलिमेंट of an array it exists exactly for once for processing, मतलब कहने का मतलब है कि जब भी हम ट्रेवलिंग कराते हैं तो ईच एलिमेंट ऑफ एरे का क्या होगा, एसेस होगा, एसेस मतलब आगे बढ़ेगा, पहुंचेगा, जिसे हम बोलते हैं गोइंग टू, आगे बढ़ेगा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली मतलब जिस जगह उसे आगे बढ़ना है, जैसे बाइक के मान लीजिए टू है, टू पे जाने का है ट्रेवलिंग करना है, क्या करेगा फिर टू जाएगा, फिर नाइन जाएगा, फिर फाइव जाएगा, फिर टू यहाँ जाएगा, एक के बाद एक घाटा ट्रेवल करते आगे आगे बढ़ेगा, ठीक है, और एग्जैक्टली बढ़ेगा अपने एक के बाद बढ़ेगा, फोर वंस एक बार ही बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा सिर्फ एक बार ही आगे बढ़ेगा, दूसरी बार नहीं। जैसे भाई मुझे दो को इस लोकेशन पर पहुँचाना था यहाँ पर, मुझे यहाँ पर नहीं आना दो को, तो दो जब तक इस जगह पर नहीं आएगा वो यहाँ पर चलता रहेगा डाटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं देखिए, ट्रेवलिंग कराने का मतलब ये होता है कि हम डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, ठीक है। तो अगर डाटा सबसे आगे था और ये डाटा 5, 9, 12 पड़ा हुआ था, तो देखो डाटा ट्रेवलिंग ऐसे करेगा, पीडी स्टेशन बनेंगे हमारी, तो ये डाटा क्या होंगे, अगर 12 था तो 12 और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, 9 का यहाँ आ जाएगा और 5 में आ जाएगा और 2 में आ जाएगा, जैसे देखिए 12 यहाँ आ गया, 9 किया, 5 किया, 4 किया, तू क्या आ गया इस स्थान पर, मैंने जब प्लेस उसे बताया था कि तुझे एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवलिंग करनी है फ्रॉम टू देयर, तो क्या करेगा टू आगे से आगे बढ़ेगा, इतने हम ट्रेवलिंग करते हैं तो भाई एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, जाते हैं ना, तो हम जाते हैं तो वो स्थान पूरा हम कवर करते चले जाते हैं। जैसे भाई अभी मैं बोला ना अबुल कलाम आजाद स्कूल के अंदर खड़ा हूँ, अब मैं यहाँ से ले गए सो के कमला नगर जाऊँगा, तो बीच में जितनी भी रास्ते आएंगे सबको मैं क्रॉस करता जाऊँगा ना, उसी प्रकार से किसी भी एलिमेंट को किसी भी आइटम को जो हम ट्रेवल करते हैं तो आगे से पड़ता करता, ठीक है, ट्रेवलिंग में ऐसा करता है और ट्रेवलिंग एक बुरी तरीके से भी होती है जो हमें पता नहीं है, बस लगता है यार ट्रेवलिंग के अंदर आगे बढ़ेगा, एग्जैक्ट आगे बढ़ेगा और कब तक आगे बढ़ेगा, जब तक कि अपना काम नहीं कर पाते, पूरा क्या करता है प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं करते, जैसे देखिए क्या हमें बना दीजिए इसका क्या होंगे एलिमेंट आगे बढ़ेंगे, ठीक है, हमें बता रहा है।
देखिए बच्चों, अब हम एक एरे का प्रोग्राम बनाना सीखेंगे, ठीक है। ये एरे का प्रोग्राम हमारे 12th क्लास बोर्ड के अंदर है, एरे चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर। तो देखिए बेटा, ये सबसे इजी और सबसे आसान और सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। और इस प्रोग्राम को हम जैसे एरे का प्रोग्राम बोलते हैं, तो जब कभी आपके सामने एरे का नाम आ जाए कि एरे का एक प्रोग्राम बनाइए, या फिर वन डायमेंशनल एरे बोलते हैं, या बोलते वन आयामी एरे, या एकल आयामी एरे बोलते, तब भी आपको यही प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। ये सबसे सिंपल सा प्रोग्राम है, मैं आपको एक एक चीज की एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, ठीक है, आराम से समझना। क्योंकि अगर आपको सबसे सिंपल प्रोग्राम बनाना आ जाएगा तो आप थोड़ा डिफिकल्ट प्रोग्राम भी बना लोगे, ठीक है। तो अब देखिए, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्या है, देखिए लिखा है, राइट आ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, ठीक है। हम सी भाषा में प्रोग्राम बना रहे, किसे बता रहे, सी भाषा के अंदर। ये याद रखिए, सी भाषा जब बोले तो उसके क्या में ध्यान रखना है, हेडर फाइल चेंज रहती है, ठीक है, प्रिंट है उसके नेम चेंज रहते हैं। पता आपको ये चीज, क्योंकि हमारे 12th क्लास के अंदर दो प्रोग्रामिंग भाषाएं, एक तो सी और एक सी प्लस प्लस, इसलिए ध्यान रखना जब भी सी का नाम आए, सी प्रोग्रामिंग लेंगे, तो उसकी हेडर फाइल आपको ये वाली लगानी है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच फोन डॉट एच, और इनपुट आउटपुट के लिए आपको प्रिंट एम और इसके नेम का उपयोग करना है, ठीक है। इस बात को खास तौर पर ध्यान में रखना कि प्रोग्राम कौन सा बोल रहा है, किस भाषा में बोल रहा है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि सी भाषा में बोल रहा है तो सी भाषा के हमें हेडर फाइल लगानी है, ठीक है। सी भाषा के अंदर हमें हमेशा हम आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट एम फंक्शन का उपयोग करते हैं, और मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए हम स्कैन एफ फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो ये चीज मेरे को ध्यान होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। उसका क्या है, लैंग्वेज को एंटर करना है, तो क्या करना, एंटर एनी नंबर बोले, एनी डाटा बोले, या दो नंबर बोलते, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। देखिए बेटा, प्रोग्राम मेरा सी भाषा में प्रोग्राम बना रहा है, अब किसका प्रोग्राम कह रहा है, वो एंटर करना है, प्रविष्ट करना है एनी डेटा। अब चाहे आप एनी डेटा बोलते या फाइल नंबर बोलते या कोई बोलते टू वैल्यू बोलते, इस जगह जब बोलते ना एंटर करना है कोई चीज को, प्रविष्ट करना है, तो इस जगह अगर एनी नंबर बोले या एनी डाटा बोले, फाइल नंबर बोले, टू वैल्यू बोले, कुछ ही बोले, बस ये ध्यान रखना है। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन में जो ये चीज आती है, जो हमें एंटर करना है प्रोग्रामिंग के अंदर, उसको सबसे पहले ध्यान में रखना बच्चों आप, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि भाई क्या बोल रहा है वो, हम प्रोग्रामिंग किस चीज की बना रहे हैं। समझ नहीं बात आपको, कि जब हमें क्वेश्चन समझ में आएगा कोई आंसर हमें समझ में आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो हम बोला एनी डाटा, यानी कोई भी नंबर लो, भर्जियो नंबर लो, आप एंटर कराओ, चाहे दो नंबर एंटर कराओ, तीन नंबर एंटर कराओ, सौ नंबर एंटर कराओ, हजार नंबर एंटर कराओ, जो आपकी मर्जी हो, आप प्रोग्राम बना दो सी भाषा के अंदर एक, एंड डिस्प्ले देन, जो हमने एंटर कराया तो क्या करना है, हमें प्रदर्शित करना है देन, देन। अब डिस्प्ले करना मतलब क्या होता है, पता बच्चों आपको, जब हम आउटपुट शो करते हैं ना, उसको बोलते हैं डिस्प्ले कराना। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसका आउटपुट शो करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक बात आ गई, आउटपुट डिस्प्ले करने की तो कोई बात ही नहीं है, प्रोग्राम बनाएंगे ऑटोमेटिक आउटपुट शो कर देंगे, उसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना, आउटपुट तो ऑटोमेटिक शो होगा। तो डिस्प्ले देन इन एरे, अब ये कह रहा है किसमें डिस्प्ले कराना है, एरे के अंदर डिस्प्ले कराना है। तब हमें समझ में आया भाई कि भाई एरे का हमें प्रोग्राम बनाना है, नहीं तो हम कोई भी नॉर्मल सा दो नंबर जोड़ने का, तीन नंबर जोड़ने का, या माइनस या मल्टीपल या डिवीजन या एडिशन का कोई प्रोग्राम बना के छोड़ देते और उसका आउटपुट बता देते, ठीक है, हम एरे यूज नहीं करते। मगर इसने एंड में क्या करा, इन एरे दे दिया कि भाई एरे के अंदर ही प्रोग्राम बनाना है। तब अब आपको समझना पड़ेगा कि एरे के अंदर ही प्रोग्राम बनाना है, तो चाहे एरे बोलते, चाहे एकल आयामी एरे बोलते, चाहे वन डायमेंशनल एरे बोलते, बात एक ही है, ठीक है। अब जब हिंदी में देखिए कि एरे में तत्व को, अब एक तत्व बोल दिया, कोई भी तत्व हो सकता है, चाहे वो तत्व पांच नंबर बोलते हैं, चाहे दो नंबर बोलते हैं, चाहे तीन नंबर बोलते हैं, या बच्चों किसी का नाम भी बोलते हैं, एम्प्लॉई है, वो कहते हैं पांच एम्प्लॉई, कितने बोलते हैं, फाइव एम्प्लॉई बोलते हैं, फाइव नंबर क्या बोलते हैं, फाइव एम्प्लॉई, फाइव स्टूडेंट, एनी नेम, कोई भी नेम वो बोल सकता है, ठीक है। तत्व की जगह डेटा में तत्व को स्टोर कराने और
कम्युनिकेट करने के लिए सरल सी में प्रोग्राम बनाइए। जो मैंने इंग्लिश में बताया वही तो हिंदी में लिख दे देगा, ठीक है। तो अब अपने को मेन चीज का ध्यान रखनी है, कोई भी तत्व बोले, कोई भी तत्व एनी डेटा बोला है, तो अब हम इस एरे के प्रोग्राम को सबसे इजी वे में लिखने की कोशिश करते हैं। हमें उन्हें बोला है एनी डेटा, तो अब एनी डेटा कोई भी मन से आएगा वो ले लेंगे। और किसके साथ लेंगे? एरे के साथ लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हम एरे का प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सोचा है, तो सबसे पहले हेल्प फाइल लगा दो। प्रोग्रामिंग कुछ सिंपल है, मैंने हैश इंक्लूड एंकर कर्ली ब्रैकेट ओपन एंकर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसके अंदर मैंने लिख दिया stu.h, ठीक है, ये हेल्प फाइल हो गई इसकी। फिर मैंने वापस आता ऐसा तरीका ये पोर्टफोलियो लगा दिया। अब मैंने ये वाला आपको समझाया था हेल्प फाइल इसकी यूज आती है, स्टूडियो मतलब क्या है, डॉटेज का मतलब क्या है, पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको छोड़ के डिस्क्राइब नहीं करूंगा, ठीक है। अब देखो मैंने आपके लिए कमांड बनाई है, जैसे बाय चांस कोई चीज है ना, इसको मैंने कमांड के लिए शो करके बताया तुम्हें कि वो लास्ट लेटर फाइल, ये दोनों क्या है, ये दोनों चीज क्या है, बाय लेटर फाइल, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है कि आपको थोड़ा सा मेमोराइज हो जाए, रिविजन हो जाए, आपको 11th क्लास का काम पता चल जाए कि 11th में कैसे पढ़ाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्स में ये जो मैंने कमांड लिखी ना, कमांड निशान लगा के टेक्स टेस्ट लगाए दो, मैंने जो कमांड बनाई आपके लिए, ये जरूरी नहीं है आप एग्जाम में लिखो, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने कमांड लिखी है, आपको कोई एग्जाम में जरूरत नहीं है कि आप कमांड लिख के बताओ, ठीक है बच्चों। कोई डिसीजन नहीं, आप सिर्फ प्रोग्रामिंग लर्न करना है, कमांड तो सिर्फ आपको याद आ जाए, आपको पता चल जाए, आपको रिविजन हो जाए थोड़ा सा, इसलिए मैंने कमांड लिखी है, ठीक है। आपके लिए कोई जरूरत नहीं है कि आप कमांड लिखो, प्रोग्राम बनाते समय या एग्जाम्स के अंदर। अब देखिए आप आगे, अब जब हमने जैसे कि हमने हमारी हेडर फाइल ले ली, तो एक ही सी चीज है, हम क्या लेते हैं भाई, मैन फंक्शन, क्या लेते हैं, मैन फंक्शन, ये क्या हमारा मैन फंक्शन। अब आपको बताया है किसी भी प्रोग्राम के अंदर एक मैन फंक्शन का होना जरूरी है, नेसेसरी, अगर मैन फंक्शन नहीं होगा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट या निष्पादित नहीं होगा, ये आप लोगों को पता है अच्छी तरह से, ठीक है। मैंने इसके साथ क्या किया, वॉइड का मतलब मैंने आपको बताया है, वॉइड किसी भी प्रकार का कोई रिटर्न टाइप नहीं करेगा, कोई वैल्यू को वापस नहीं भेजेगा प्रोग्राम में, ठीक है, इसलिए वॉइड लगाया। अगर मैं नहीं लगाता तो उसमें इफेक्ट नहीं पड़ता इस प्रोग्राम में, ठीक है, इस बात याद रखना। अब देखिए बेटा, ये मैंने लिख दिया सामने से कमांड मैन फंक्शन इन प्रोग्राम, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या ले रहा हूँ उसमें, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये याद रखिए, ये तो समझिए हमारी ये चीज क्या हमारी हेडर है, क्या है, हेडर वाली, क्या सुनो भाई, हमारी हेडर पॉइंट इसका बोलते हैं भाई, हेडर चीज हमारी हेडर ऊपर की दिखा रहे। अब हम कहते हैं इसकी मैन बॉडी, क्या लेते हैं, प्रोग्राम की बॉडी, तो देखिए प्रोग्राम की हम बॉडी लिखते हैं ना, सबसे पहले लगाते हैं ओपन कर्ली ब्रैकेट, क्या लगाया, ओपन कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। अब हम प्रोग्राम में देखते हैं कि हमें क्या कहा है एंटर करने के लिए, या किस चीज का हमें प्रोग्राम बनाने के लिए क्वेश्चन के अंदर बोला है, तो हम ये देखेंगे, ठीक है, टू एंटर एनी नंबर, कौन से डाटा टाइप को उपयोग करते हैं, ये आपको बताया है कि किसी भी नंबर को प्रोग्रामिंग के अंदर लिखने के लिए आप कौन सा डाटा टाइप काम में लेते हैं, इंटीजर डाटा टाइप, क्योंकि इसमें हमें कोई सिर्फ नंबर बोल दिया, कोई भी डाटा बोल दिया, हमें ये नहीं बोला कि परसेंटेज निकालो बच्चों का, अगर परसेंटेज निकालते हैं तो हम यहाँ पे फ्लोट, अगर हमें सिर्फ नंबर बोला है कोई भी नंबर लेने हैं हमारी मर्जी से, तो हमने क्या करा, नंबर के लिए सबसे पहले क्या लिख देते हैं, इंटीजर डाटा टाइप, सबसे पहले कोई भी डाटा, कोई भी वेरिएबल को हम जब प्रोग्रामिंग के अंदर लिखते हैं बेटा, तो उससे पहले उस डाटा टाइप का हमें क्या लिखना पड़ता है, उस डाटा का हमें क्या लिखना पड़ता है, डाटा टाइप लिखना पड़ता है सबसे पहले, तो हमने डाटा टाइप के अंदर क्या लिखा, इंटीजर लिखा, सबसे इंपॉर्टेंट है कोई स्टार्ट हो प्रोग्राम, ठीक है। फिर हमने बोला क्या है, एरे के अंदर इसके अंदर प्रोग्राम बनाना है, एरे के अंदर प्रोग्राम बनाओ या एरे में तत्वों को संग्रहित करो यानी स्टोर करो, तो मैंने क्या ले लिया, एरे क्या हो गया, एरे में, एरे में क्या वेरिएबल बोल सकते हैं, एरे में वेरिएबल हमारा एरे है, मैंने एरे में ले लिया, जाते तब से लेना कहीं भी नहीं लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी रहते कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स वाई जेड कोई भी एनवायरमेंट लेते कोई प्रॉब्लम नहीं,
ठीक है, समझ आई लाइन थी आपको। अब देखो तत्व को स्टोर करो, एनी डेटा, एनी डेटा बोला, क्या बोला, एनी डेटा, कोई भी डेटा हो, तो मैं जाऊं यहाँ पे तो 5 हो, जाऊं यहाँ पे 10 हो, जाऊं मैं 12 हो, जाऊं मैं 13 हो, जाऊं मैं 100 हो, मेरे को कितने डेटा देने चाहूँ मैं लॉन्ग मेरे ऊपर डिपेंड, ठीक है। उन्होंने डेटा दिया तो है कि मैं 5 डेटा, 10 डेटा, 12 डेटा दिया तो नहीं है ना, डेटा का हमने ना उसने एरे का कोई नाम दिया कि यही नाम का एरे होना चाहिए। अगर कहता कि 5 एम्प्लॉई तो हम क्या करते हैं, एरे के क्या लगाते हैं, एम्प्लॉई 5 मतलब लगाते हैं, तो ऐसा तो उसने यह चीज तो उसने दी नहीं है। अगर कुछ करता है क्या, हमें कुछ चीजें हमारे क्वेश्चन में दी नहीं है, हमने समझने के लिए हम बता रहे हैं आपको, ठीक है बच्चों। तो देखो मैंने 5 ले लिया, मुझसे कोई डाटा लिया था, मैंने 5 ले लिया, ठीक है, 5 डाटा मैंने ले लिया मुझसे। अब देखो मैंने यहाँ कमांड लिखी, क्या लिखा, एरे डिक्लेरेशन। आपको पता है जब हम ऐसे क्या बोल चुके हैं, एरे डिक्लेरेशन पता है आपको। अब देखो जैसे एरे में डिक्लेयर कर दिया, अब हम इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले कराने की कोशिश करेंगे कंप्यूटर को, क्या कराएंगे इसे डिस्प्ले कराएंगे। 5 नंबर लिया है, 5 नंबर डिस्प्ले करो, क्या बोला था डिस्प्ले करा देगा, तो हम आउटपुट डिस्प्ले कराएंगे ऑटोमेटिकली। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, स्टोर करने के लिए प्रोग्राम बना रहे ना, हमने 5 नंबर स्टोर करे हैं, हम 5 बिट ना अलग अलग, तो इस लाइन को हमें डिस्प्ले कराने के लिए हमें इस लाइन लिखनी पड़ी, एंटर द 5 नंबर, जो हमने यहां करा था यार, ये एंटर द 5 नंबर कौन से लिखे मैंने, ये एंटर द 5 नंबर टू स्टोर देयर इन एरे, मतलब ये 5 नंबर लिए मैंने, तो मैंने यहां 5 लिखा, अगर मैं 10 नंबर लेता तो मैं 10 लिखता, समझ आई बात आपको, कि मैंने प्रिंट एफ ने लाइन की लिखी, क्योंकि मैंने मेरे मन से 5 एलिमेंट एरे के डिक्लेयर करे हैं, इसलिए मैंने यहाँ 5 नंबर लिखा, समझ बात आपको। अब देखो अब आपको पता है एक नंबर न्यू लाइन लेंगे, हम क्या लेंगे, अभी प्रिंट एफ की न्यू लाइन खोल लेंगे, मैंने कमांड में लिखा 4 डिस्प्ले, 4 डिस्प्ले मतलब एरे की वैल्यू को डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंट एफ हमने लिखा है। जब भी हम प्रिंट एफ लिखे तब समझ जाना एरे की जो वैल्यू हम ले रहे हैं उसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, मतलब स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, ये बताया था मैंने आपको, प्रोग्राम में एरे शुरू होगा क्योंकि 5 वैल्यू है, और ये 5 वैल्यू कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5 है, 2 4 6 8 10 है, या कौन सी और अदर 5 वैल्यू है, तो हमें बताने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, 4 लूप लगाना पड़ेगा, मतलब एरे को स्टार्ट करना पड़ेगा, तो क्या लगाना पड़ेगा, 4 लूप, रीड के बाद हमने क्या लगा दिया, 4 लूप लगा दिया, कमांड क्या लिखा, 4 लूप स्टार्ट किया, मतलब यहाँ पे एरे हमने शुरू कर दिया है, 4 लूप स्टार्ट कर दिया है, 4 लूप को स्टार्ट करने का मतलब क्या होता है, एरे को स्टार्ट करना भी, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो सिर्फ
सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर देते हैं, सी प्लस प्लस के अंदर नहीं, तो सी का प्रोग्राम बनाने का तरीका इसके है डबल कोटेशन मार्क परसेंटेज जी। अब परसेंटेज जी में आपको ये बता रखा है परसेंटेज का मतलब था डेसिमल नंबर, क्या होता है डेसिमल नंबर, जब भी हम कोई डेसिमल नंबर लेते हैं तो परसेंटेज जी लगाते हैं, और डेसिमल नंबर कौन से हमारे फाइव डेसिमल नंबर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 है, कोई भी नंबर 9 ठीक है और 10, ये नंबर क्या होता है डेसिमल नंबर होता है। तो अब हम क्या करते हैं इसके यहाँ पे क्या लगाते हैं डी लगाते हैं और हम इसको बंद कर देते हैं, डेसिमल नंबर हमारा आ गया बंद हो गया। ये क्या हो रहा है कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो रहा है नंबर, याद रखना इसके मेमोरी में से याद रखना कि डी टू लगाया था डेसिमल नंबर है ठीक है। स्ट्रिंग होते हैं स्ट्रिंग अगर जो लेते हैं एस लगाते हैं फ्लोट होता है एफ लगाते हैं पता है आपको इसी ये लेवल तो समझा चुके हैं प्रोग्राम में इतना लगा दिया ठीक है हो गया बेटा। अब उसके बाद में सेमी कोलन ये कोमा लगा दिया है, अब उसके बाद लगाया हमने एंड ऑपरेशन एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्यों लगाते हैं आपको बताया था कि ये जो फाइव वैल्यू है डेसिमल की ये कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से स्थान पे कौन सी लोकेशन पे स्टोर होगी ये संग्रहित होगी उसके लिए हमें क्या बताना पड़ेगा एड्रेस बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा एड्रेस। एरे में बनाते हैं हम एड्रेस हम सो करेगा इस बात को याद रखना इस बात को कि भाई फ्री टैब बार बार क्यों आया या स्कैन है बार बार क्यों आया, तो फ्री टैब हो चाहे स्कैन है वो कंपाइलर सदैव एक बार उसे रीड करेगा एक बार उसे राइट करेगा और एक बार उसे सो करके दिखाएगा आउटपुट में, इसलिए हमें फ्री टैब स्कैन का यूज करना पड़ता है ठीक
ठीक है। अब देखिए और ये जो चीजें मैंने बताई थी कि इलेवन में आपने बताई भी थी कि एरे के प्रोग्राम को किस तरह से रीड किया जाता है वो भी मैंने बताया था, और राइट क्यों किया जाता है वो भी मैंने बताया था, ठीक है। अब देखिए एक बार मैंने यहाँ तक अब वापस आते हैं प्रिंट एंड फॉर्म में, ठीक है। प्रिंट एंड फॉर्म में पीछे के ये गिना एंडर इन द ए आर, मतलब अब हमें एरे के अंदर कौन से एलिमेंट को एंटर करना है, भाई पांच एलिमेंट को हमें करने ही करना है, मगर कह रहा कौन से एलिमेंट करोगे आप पांच, जरूर थोड़ी है कि मैं 1 2 3 4 5 करूं, मैं कर लूं क्या 20 मैं ये फाइव एलिमेंट भी कर दूं 1 2 3 4 5 मैंने ये एलिमेंट भी कर सकता हूं, समझ आए, कोई भी एलिमेंट कर सकता हूं मैं, तो मगर तो पूछता है कंप्यूटर में पूछता है आप कौन से एलिमेंट करोगे बताओ मैं, तो हमने एक बार वापस प्रिंट एफ से लाइन एंटर इन द एरे आर कौन से अब एलिमेंट एंटर करेंगे, तो मैंने लाइन वापस आपके सामने लिख दी। अब हम बता रहे हैं वापस बता रहे फोर टू वापस लगाया जैसे प्रिंट एफ आया वापस फोर टू नीचे आ गया, ऐसे मैंने ऊपर लिखा था, ठीक है। देखो फोर टू चेंज ही होगा, फोर टू तो एक बार लग गया वैसे अच्छा लगा रहेगा तो चेंज नहीं कर सकते हैं, यहाँ फाइव वैल्यू ले दी हमने, ये 5 वैल्यू है क्या, 5 वैल्यू है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, मैं दूसरा लगा रहा हूं, ठीक है। ऐसे लिया अब आप कह रहे हैं हाँ 5 वैल्यू एंटर कर रहे हैं, कितनी वैल्यू कर रहे हैं 5 वैल्यू ही एंटर कर रहे हैं, तो हमने प्रिंट भी लगा दिया, उसके बाद फॉर लूप लगाया था तो पता है फॉर लूप किस यूज में आता, ठीक है। अब देखिए इस प्रिंट में जब प्रिंट अब आता है प्रिंट का मतलब होता है डिस्प्ले कराना, क्या कराना है डिस्प्ले कराना, अब जो चीज डिस्प्ले होती है ना उससे पहले वो चीज कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित होती है, तो हमें पता है ना कंप्यूटर की मेमोरी में किसी भी डाटा को या किसी भी चीज को संग्रहित करने के लिए प्रोग्राम किसका बनाते हैं, तो प्रोग्राम बनाने के लिए क्या उपयोग लेते हैं स्कैन ऐप, क्या लेते हैं उपयोग स्कैन ऐप लेते हैं। तो अब देखिए बेटा देखिए किसके पे ये है डेसिमल पर किसके इक्वल है इस परसेंटेज जी के डेसिमल नंबर है
फिर कहते हैं न्यू लाइन एंड, इसे एंड लाइन भी बोलते हैं, एंड हो गए ठीक है। या हमने इन फाइव को चलाने के लिए परसेंटेज जी मतलब फाइव डेसिमल को चलाने के लिए क्या काम लिया था, इनपुट वैल्यू की आई, क्या है इनपुट वैल्यू आई, और एरे के अंदर में क्या डालते हैं परसेंटेज को स्टडी करें, केवल डेटा फोर ठीक है, इसके अंदर में लाइन डाली थी, इसके अंदर में लाइन है एरे आई चल रहा है, तो पापा ये इसके अंदर लाइन है यहां पे ऐसे सर मैं बात आपको, तो ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बता रही है कि एरे के अंदर कौन से फाइव तक तो एंटर हो गए और वो किस प्रकार से डिस्प्ले हो गए मतलब मेमोरी में संचित हो गए, तो वो ये बताने के लिए लाइन इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो प्री डेप की लाइन है उसी प्री डेप की लाइन के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट शो होता है, याद रखिए जो हम कभी भी यूजर जो कंप्यूटर पे गेम यूज करते हैं कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं ना, तो वो जो एप्लीकेशन है या जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर है वो हमारे सामने क्या होता है आउटपुट होता है, उसका इनपुट क्या होता है प्रोग्राम इनपुट होता है, और आउटपुट क्या होता है जो हमारे सामने डिस्प्ले होता है, तो ठीक है तो हमारे सामने डिस्प्ले क्या हो रहा है ये आउटपुट डिस्प्ले होगा, तो आउटपुट डिस्प्ले किससे हुआ प्रिंट टैप से, जो प्रिंट टैप पर हमने लाइन लिखी थी, तब देखिए बेटा ये प्रोग्राम हम क्या करते हैं यहां से बंद डिस्प्ले की कमी क्या करा जैसा हम यहाँ बनाते हैं
हमने डायग्राम बनाया था इधर का चैप्टर का वो बनाया था कि भाई इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है, 0 से शुरू होती है और सीक्वेंस में चलती है, कोई भी आगे पीछे नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो वो नंबर हमने प्रिंटर में दिए जो हमें शो करा रहे हैं आउटपुट के अंदर। तो देखिए सॉरी, तो देखिए बेटा ये परसेंटेज का मतलब क्या था हमारा एरे, एरे का एरे 8 एरे 8 एरे 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ये कितने हमारे थे डेसिमल पर कितने थे 5 थे। अब क्या कह रहा है परसेंटेज डी कि भाई ये तो तुमने इंडेक्स की जो वैल्यू थी बेटा वो शो कर रही है, अब एक्चुअल वैल्यू अपने प्रोग्राम में कौन से डाल रहे हैं तो हम बताते हैं एक्चुअल में जो वैल्यू प्रोग्राम बना तो हम डाल रहे हैं 1 2 3 4 5 तो हम इसे इससे परसेंटेज करेंगे परसेंटेज डी से शो करेंगे। ये परसेंटेज डी में बताएगा ये भी जो परसेंटेज डी क्या है डेसिमल है इक्वल इक्वल बता रहा है कि भाई इस एरे जीरो के साथ कौन सा है 1 है क्या है सोल्व करनी है या आपकी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसे सोल्व कर दूंगा बच्चों। ठीक है,